या हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। प्रीवियस क्लास में बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोरिलेटेड सॉल्यूशंस देखे थे, और जरा आपको याद भी होगा कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा के दिया था। फॉर एग्जांपल, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेटेड सॉल्यूशंस जो लिखाया था बेटा, वो द नंबर वन, द फर्स्ट वन जो हमने इसके पहले वाली क्लास में किया था, पहला वाला था हिटेरोजेनियस, राइट? दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी बेटा। सेकंड वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट विजिबिलिटी, ये करा के दे दिया था कल की क्लास में। थर्ड वन आती है फिल्टरेबिलिटी, फोर्थ वाली थी बेटा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो ये चार प्रॉपर्टी बेटा हमने अपने कोलाइडल सॉल्यूशंस के देख लिए थे। अभी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दैट वन आई वांट टू डिस्कस, द फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ए कलर। कलर इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हमको सीखना है, इसके बारे में देखना है, बिकॉज एनसीईआरटी ने उसके बारे में बताया गया है। क्या है कि बेटा, कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन वो डिपेंड करता है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। तो हम लिखेंगे बेटा, कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कलर ऑफ मतलब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन एक ही कलर का नहीं दिखेगा, अलग अलग कलर का दिखेगा। जैसे जैसे उसके डिस्पर्स पार्टिकल जो होते हैं उनकी साइज बढ़ेगी या कम होगी, उसके हिसाब से कलर आएगा। द कलर ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन इट डिपेंड्स अपॉन और डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कल मैंने बताया था बेटा कि रे ऑफ लाइट जो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में जाता है तो वो स्कैटर्ड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। जो लाइट अंदर में स्कैटर्ड हो गई है उसकी वेवलेंथ, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। और ये लाइट स्कैटर्ड क्यों होता है? द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, और इट विल बी वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट बाय बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। तो देखिए बेटा, कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, राइट? अगर वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, इट अगेन मतलब अभी अकेला इतना ही नहीं कि आपने कलर को बताने के लिए लाइट की वेवलेंथ को आपने देखा है, ये भी नहीं है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी डिपेंड करेगा बेटा। वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट वो डिपेंड किस पे करेगा? पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करेगा और पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो हम और एक पॉइंट लिख सकते बेटा कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। जो पार्टिकल है ना उसकी साइज पे डिपेंड करेगा। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट अगेन डिपेंड ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। मतलब ये हमारे जो पार्टिकल यूज किए हैं वो पार्टिकल का नेचर क्या है, उसके नेचर पे और उसके साइज पे वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड करेगी, और लाइट के वेवलेंथ पे कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल, अब ये जो मैंने कंसेप्ट लिखा के दिया, ये कंसेप्ट मैं एक छोटे से एग्जाम्पल में देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने सिल्वर का सोल बना लिया, तो ये जो सिल्वर का सोल मतलब सिल्वर का कोलाइडल सोल्यूशन, उसको सोल बोला गया है। तो बेटा जैसे जैसे आप साइज ऑफ द सिल्वर पार्टिकल चेंज करते जाओगे, कलर ऑफ द सॉल्यूशन भी चेंज होते जाएगा, राइट? और वैसे जैसे साइज ऑफ द पार्टिकल अगर आपने बड़े से छोटी की है तो कलर चेंज हुआ, छोटे से बड़े करो बेटा तो कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ एजी सोल मतलब सिल्वर सोल, कलर ऑफ सिल्वर सोल चेंजेस विद द पार्टिकल डायमीटर, चेंजेस विद द
पार्टिकल डायमीटर, पार्टिकल डायमीटर मतलब बेटा सस्पेंडेड पार्टिकल है ना, उसके डायमीटर पे चेंज हो रहा है. सो चेंजेस विद द पार्टिकल डायमीटर इन सॉल्यूशन राइट. और द कलर ऑफ द कोलाइडर सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस विद द मैनर इन विच इट इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट. The color of colloidal solution changes. It changes. But it will be changes in the with the manner in which the observer receive the light. With the manner in which observer receives light. हाँ बेटा, अगर आप सिल्वर का सोल बनाते हो तो बेटा एक डायरेक्शन से आप देखो आपको एक कलर दिखेगा, दूसरा किसी दूसरी डायरेक्शन से देख रहा है तो कलर चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जिस जिस वे से लाइट को रिसीव कर रहा है उसके हिसाब से बेटा कलर भी चेंज हो जाता है. अब एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, आप लोग करके तो नहीं देख पाओगे बट मैं बताना चाहूंगा ऐसा होता है. अगर मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क ले लो, मतलब अगर दूध और पानी के मिक्सचर को अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट के वे से देखो, मतलब व्हेन इट इज व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट वो ब्लू कलर दिखता है, लेकिन जब आप ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ से देखो तो वही मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर आपको रेड कलर का दिखता है. कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना. लैब में करके देखो, दिखता है बेटा ये. अगर आप दूध और पानी को ले लो और आप उसको रिफ्लेक्टेड लाइट के व्यू से देखो, है ना, व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ब्लू कलर, बट व्हेन व्यू बाय द ट्रांसमिटेड लाइट इट लुक लाइक ए रेड कलर. ऐसा होता है. तो मिल्क आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हो, मतलब ऑब्जर्वर जैसा लाइट रिसीव कर रहा है उसके हिसाब से भी कोलाइडर सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है. तो देखिए बेटा, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये वाला. प्लीज सब लोग ध्यान से देखिए कि कलर ऑफ द कोलाइडर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट बाय द डिस्पर्स पार्टिकल. वेवलेंथ ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता बेटा? साइज ऑफ द पार्टिकल और नेचर ऑफ द पार्टिकल. जैसे कि कलर ऑफ द सिल्वर सोल का चेंजेस विद द पार्टिकल डायमीटर इन द सॉल्यूशन. अगर बड़ा है तो एक दिखेगा, फिर छोटा करो, फिर छोटा करो, फिर छोटा करो, ऐसे चेंज करते रहो, कलर चेंज होते रहता. बेटा गोल्ड का भी ऐसी है. गोल्ड है ना, गोल्ड एक बहुत ही फाइन पार्टिकल है तो येलो दिखेगा. थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स का सॉल्यूशन बना लो, थोड़ा सा लाइट लाइट येलो या तो डार्क रेड कलर के आ जाएगा. मतलब ये गोल्ड का भी होता है ना, उसको ऐसा बोला गया है, फाइन पार्टिकल, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्यूशन रेड कलर का होता है. और जैसे जैसे पार्टिकल की साइज उसकी बढ़ती गई तो रेड बिकम पर्पल, पर्पल बिकम ब्लू एंड फाइनली गोल्डन. ये गोल्ड का है, लिख के दो. देखिए और एक एग्जांपल है, पहले इतना लिख दो बेटा, यहाँ लिख के दे देता मैं. टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर. ले लिए, गुड. बड़े ये वाला, color of the silver soul changes with the particle diameter in the solution, color of the colloidal solution changes with the manner in which the observer receive a light. ab iska main acche se ek example de raha hu. for example a mixture of milk and water. beta mixture of milk and water matlab milk pura colloidal hi hai, pani dalo to bhi wo colloidal hi hai.
राइट, द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, बट इट अपियर्स ब्लू, यहां लिखो इट अपियर्स ब्लू एंड ऑल्सो इट अपियर्स रेड. सर ब्लू कब दिखेगा, कब दिखेगा बेटा, व्हेन इट इज व्यू बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, व्हेन इट इज व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट. अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट से देखो तो ये ब्लू दिखेगा, एंड व्हेन इट इज व्यूड बाय, व्हेन इट इज व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट तो ये दिखेगा रेड कलर का. मतलब हम बोलते हैं जादू है, जादू वादू कुछ भी नहीं है. कोलाइडर सॉल्यूशन की साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल से रे ऑफ लाइट डिस्पर्स होगी. रे ऑफ लाइट जितनी ज्यादा डिस्पर्स होगी या कम डिस्पर्स होगी उसकी वेवलेंथ चेंज होगी. उसकी वेवलेंथ चेंज होगी तो ऑब्जर्वर लाइट को कैसे रिसीव कर रहा है उसके हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाता है. है तो दूध और पानी, लेकिन अगर आप रिफ्लेक्टेड की तरफ से देखते हो तो ब्लू दिखेगा, ट्रांसमिटेड की तरफ से देखते हो तो रेड दिखेगा. और हम बोलते हैं कि सर ये तो जादू है, जादू नहीं बेटा ये साइंस है. ठीक है, और एक अच्छा सा एग्जांपल, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिया बेटा, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, कलर ऑफ देखो यहाँ पे, द कलर ऑफ द कोलाइडर सॉल्यूशन चेंजेस विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव लाइट, ये कॉन्सेप्ट ये हो गया. दूसरा बेटा और एक है कि साइज ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रही है ना, कलर कैसे चेंज होता है साइज. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास फाइनेस्ट गोल्ड सोल है, मतलब गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन फाइनेस्ट है, तो ये कैसे कलर का होता बेटा, इट इज रेड इन कलर है. ठीक है, फाइनेस्ट है तो रेड इन कलर है. अगर इसी सॉल्यूशन को बनाने से पहले अगर मैं साइज ऑफ द उसकी सॉल्यूट पार्टिकल जो डिस्पर्स पार्टिकल है अगर मैं वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा, एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस इट अपियर्स, एज द साइज ऑफ पार्टिकल, एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इट अपियर्स, कैसे दिखेगा, पहले दिखेगा पर्पल, फिर दिखेगा ब्लू एंड फाइनली गोल्डन. इट अपियर्स पर्पल देन ब्लू एंड फाइनली गोल्डन. ठीक है भाई, एंड फाइनली इट विल बी गोल्डन. राइट बेटा, ले लो यहां. हाँ बेटा, टिंडाल इफेक्ट मैंने कल बताया था ना आपको, आई वांट टू डिस्कस विथ यू. ठीक है बेटा, आज डिस्कस कर लेंगे आपसे, टिंडाल इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे. राइट, किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर टिंडाल इफेक्ट, मतलब वो मैंने बताया था बेटा, प्रॉपर्टीज में आएगा, मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कराऊंगा, वो करा के दे रहा हूँ. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा चार थी हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी कलर है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी अपन जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जहां पर आपको टिंडाल इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा. बेटा कुछ भी नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही टिंडाल इफेक्ट बोला गया है. जितने ज्यादा साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस,
साइज ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं ना, जितने बड़े बड़े हो गए लाइट की स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी, और जितनी लाइट की स्कैटरिंग होगी भाई दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कैन बी ऑब्जर्व बाय टिंडल कॉल्ड एज ए टिंडल इफेक्ट, राइट। तो मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, आई थिंक हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करके एक आएगा जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, सिक्स्थ वाली। बेटा सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बताना है बेटा, वही बता रहा हूं मैं। दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, तो दिस प्रॉपर्टीज, आपको मालूम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, विच कैन बी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ या पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सोल्यूशन में आपने पढ़ा था चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे भाई, पहला वाला आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा वाला हाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो अब देखिए ये ऐसे प्रॉपर्टीज है बेटा, दे डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। सो दीज प्रॉपर्टीज, और दीज आर द प्रॉपर्टीज लिखो बेटा, या दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ बेटा, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वैसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ कोलाइडर सॉल्यूशन ले लूंगा, फॉर एग्जाम्पल ठीक है कोलाइडर सॉल्यूशन, और उसमें मैंने क्या कर दिया, कोलाइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट कर दिया। मतलब जैसे कि कोई आयंस ले लो या मॉलिक्यूल्स ले लो, और वो आयंस और मॉलिक्यूल को मैंने एग्रीगेट करा लिया, और एग्रीगेट करा के मैंने इन साइज ऑफ द पार्टिकल को ट्रू सॉल्यूशंस के साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल से मैंने कंपेयर करा लिया, तो किसके पार्टिकल की साइज बड़ी होगी, तो भाई बड़ी तो कोलाइडल की होगी, और आपके ट्रू सॉल्यूशन के साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल तो बहुत बहुत छोटी होगी साइज, राइट। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप काउंट करना चाहो तो बेटा यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए। एग्रीगेट हो गए मतलब 10 मॉलिक्यूल मिलके एक, 10 आयंस मिलके एक बड़ा सा आयन बन गया, और वहां पे ट्रू सॉल्यूशन में आपके नंबर ऑफ आयंस तो पहले से ही ज्यादा है, वो एग्रीगेट नहीं हुए, तो नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर इन द ट्रू देन दैट ऑफ कोलाइडल। तो नंबर तो चेंज हो गए राइट, अगर कंपेयर कराओ तो नंबर ऑफ आयंस ट्रू में ज्यादा है, बट नंबर ऑफ आयंस आपके कोलाइडल में कम है। क्यों? क्योंकि आयन सारे एग्रीगेट हो गए। तो अब आपको देखा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशंस आर वेरी लेस, कहां पर? कोलाइडल में। क्यों? क्योंकि सारे एग्रीगेट हो गए तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, लेकिन साइज इनकी बढ़ गई। किसकी बेटा? कोलाइडल की साइज बढ़ गई। हेंस हम बोलेंगे दिस सॉल्यूशन एग्जिबिट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द लेसर एक्सटेंट। अब आपसे फिर से पूछा जाएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस में ज्यादा है, या मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस में ज्यादा देखी जाती है, तो आपने क्या बोलना बेटा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास एक बीकर है, अच्छी बात है सर, सर ऐसा ही सेम साइज का एक बीकर उसी कंपनी का मैंने ले लिया, वो भी अच्छी बात है सर, दोनों की कंपनी सेम है मतलब दोनों की साइज भी सेम होगी, कुछ चेंज नहीं होगा, सही बात है सर। सर इसके अंदर मैंने एक सोल्यूशन लिया और इसके अंदर पे मैंने एक सोल्यूशन लिया, राइट सर, ये मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ कि ये मेरे ट्रू सॉल्यूशन है, तो भाई ये तो आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, अगर आप ट्रू और कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हो तो बेटा साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स विल बी वेरी वेरी लेस देन, है ना, वन वन हाँ बेटा आपको देखा ना, 1 माइक्रॉन से लेके 100 या 1000 माइक्रॉन तक ले जाते हैं, वो आता है आपका कोलाइडल, 1 माइक्रॉन से कम आ जाए ट्रू, और अपने 100 माइक्रोन से थोड़ा बढ़ के आ जाए तो सस्पेंशन। तो बेटा यहाँ पर मैंने ये देखा है, ये जो आयंस है ट्रू सॉल्यूशन में, ये ऐसे आयंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, कितने आयन से? सिक्सटीन, ऐसे नहीं है वो घूम रहे हैं, राइट। यहाँ देखिए सर, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, आगे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, हो गया फोर्टीन हो गए। फिर कहीं चला फिफ्टीन, कहीं चला सिक्सटीन, कुछ भी होगा, डजेंट मैटर। आपसे पूछा जाएगा कोलाइडर एक्चुअली ये क्या हुआ, मानो ये आयंस आके एग्रीगेट हो गए, और जब आयंस एग्रीगेट हो जाते तो उनकी साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ के इट विल कम अंडर द रेंज ऑफ कोलाइडल। तो बेटा ये कोलाइडल की रेंज में आ गई, और ये आपके ऐसे के ऐसे ट्रू के रेंज में है, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज्यादा है, तो आपने बोलना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रू में ज्यादा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कोलाइडल में कम है। भाई जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो आप क्या बोलना, यहां पर कोलाइडल और ट्रू में अगर देखा जाए, ट्रू और कोलाइडल में देखा जाए, बेटा ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है देन द कोलाइडल सॉल्यूशंस, राइट बेटा। ये आपको देखना था और यही मुझे आपको बताना था इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। बोलो बेटा, एनीबडी इज हैविंग डाउट ऑन दिस वन, प्लीज यू कैन आस्क मी। आप स्टेटमेंट के फॉर्म में अपने आप में लिख सकते हो बेटा, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कंसीडर ट्रू एंड कोलाइडल, कोलाइडल में क्या होते बेटा, आयंस आर एग्रीगेटिंग और मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेटिंग एंड टू फॉर्म द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल और टू फॉर्म द साइज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इट विल कम इन द रेंज ऑफ कोलाइडल। देखिए ये डिस्पर्स होके कोलाइडल के रेंज में आ गए, इसलिए तो कोलाइडल है भाई ये, और ये डिस्पर्स नहीं होते, घूमते रहते, ये ट्रू है। कोई डाउट? मतलब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कंपेयर करो तो ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लेकिन हमारे कोलाइडर में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ही कम है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है उसकी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कम है, और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है उसकी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। डिड यू गॉट इट? चलो बना लो बेटा इसको। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बेटा, कॉलिगेटिव होने के बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, बट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मतलब समथिंग कॉल्ड एज, ऐसे कोलाइडल सोल्स होते हैं। अगर सोल आपका सॉल्यूशन आपका सोल है, मतलब कोलाइडल है, तो डेफिनेटली दिस सोल विल एग्जिबिट टिंडाल इफेक्ट। ये तो पक्का है बेटा कि वो टिंडाल इफेक्ट एग्जिबिट करेगा ही करेगा। अब जैसे कि आप एक काम कीजिए बेटा, एक बीम ऑफ ए लाइट कैन बी पास थ्रू ए कोलाइडल सोल एंड जस्ट यू व्यू एट राइट एंगल। अगर आप राइट एंगल से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि पाथ ऑफ द लाइट शोन अप बाय वी कैन से द ऐसा कुछ कैसे बोलना है, एक हैजी बीम तरह का दिखता है, कौन दिखता है, राइट। और ये ऐसा, ये जो सबसे पहला ऑब्जर्व किसने किया बेटा, टिंडाल ने ऑब्जर्व किया है। सो टिंडाल ने जैसे ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बोला कि जहां भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई है एंड दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल और ड्यू टू द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, जैसे जैसे साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल बढ़ते गए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बढ़ते गया, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर आ जाए, राइट, दैट इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज ए टिंडाल इफेक्ट।
तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा बेटा कि अगर अगर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कैन पास थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन नॉट टेक प्लेस, बट व्हेन द बीम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी पास थ्रू द कोलाइडर सॉल्यूशन ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल या डिस्पर्स पार्टिकल बोलो, ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल और डिस्पर्स पार्टिकल द स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल अकर, और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जहां पे होती है दैट इज कॉल्ड एज ए दैट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय टिंडाल, हेंस इट विल बी कॉल्ड एज ए टिंडाल इफेक्ट। इट इज समथिंग लाइक दैट कि बेटा अगर आप देखो ना ये आपको इस तरह से दिखता है, ऐसा कौन दिखता है मतलब, तो ये अगर आप थिएटर में जाके बैठो तो थिएटर में बेटा आगे में जो ये होता है स्क्रीन होता है और पीछे से जो फोकस डालता है, तो ये ऐसा कुछ है ना कि यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है और यहाँ से फोकस डाले, तो देखो ये एक ऐसा कोन शेप दिख रहा है आपको दैट इसके अंदर में आप देखिए पार्टिकल्स कैसे इसे मूव करते रहते हैं, तो दैट इज ए वी कैन से स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, और एक तरह का आपको ऐसा कोन दिखता है राइट। तो इसको अगर आप सेम फिनोमिना अगर आप ऑब्जर्व करना चाहे व्हेन बीम ऑफ सनलाइट इट एंटर्स इन ए डार्क रूम, अगर आपके डार्क रूम में सनलाइट सन की रेज अगर एंटर करती है तो उस छोटे से स्मॉल स्लिट के अंदर में आप डस्ट पार्टिकल देखते हैं ना ऐसे 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 घूमते रहते हैं, तो वो जो ऐसा कोन शेप जो आता है ना दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, ए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज राइट, दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है इस तरह के, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय होम टिंडाल एंड हेंस इट विल बी कॉल्ड एज ए टिंडाल इफेक्ट, और ये जो कोन दिख रहा है ना ये वाला कोन, दैट कोन मस्ट बी कॉल्ड एज ए टिंडाल कोन। सो बेटा इसके ऊपर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सोल दैट व्हिच इज व्यूड एट द राइट एंगल द पाथ ऑफ द लाइट इज शोन अप एज ए हैजी बीम, मतलब पाथ ऑफ द लाइट विल बी शोन एज ए व्हाट, हैजी बीम ऑफ कोन, हैजी बीम ऑफ कोन मतलब बेटा एक इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ द ब्लूइश लाइट होती है ना वो वाला होता है, एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अपने फैराडे ने भी देखा था और लैटर इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द टिंडाल, ये अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हेंस इट इज नोन एज अ टिंडाल इफेक्ट। अगर सेम फिनोमिनन अगर आप बीम ऑफ सनलाइट आपके डार्क रूम में एंटर करती है तो आपको ऐसे कोन ऑफ द लाइट दिखती है राइट, तो कोन ऑफ द लाइट मतलब आपको सनरेज तो नहीं दिख रही है बट एक हैजी बीम दिख रही है, कभी रे ऑफ लाइट आपकी आंखों से दिखती है नहीं ना, पर वो बीम दिखता है ना, दैट बीम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय टिंडाल एंड कॉल्ड एज ए टिंडाल इफेक्ट। लेकिन बेटा अगर आपके रूम में डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं है, डस्ट पार्टिकल है नहीं और सनरेज जब एंटर करती है तो आपको वो उस तरह का कोन ही नहीं दिखता है, मतलब डस्ट पार्टिकल का होना मतलब साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल का होना मतलब आपको वो बीम आपको वो कोन दिखाई देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, टिंडाल कोन, एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय टिंडाल हेंस इट विल बी कॉल्ड एज ए टिंडाल इफेक्ट राइट। तो यूडा मैं इसके बारे में इतना ही बताना चाहूंगा अबाउट द टिंडाल। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर कोलाइडल सोल हो तो टिंडाल दिखेगा राइट, कोलाइडल सोल हो तो टिंडाल दिखेगा, तो बेटा ये जो टिंडाल अफेक्ट आता है ना ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी में पूछा गया है, नीट में भी पूछा है और पूछते भी है, मैक्सिमम बार पूछा गया है कि टिंडाल अफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, टिंडाल अफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बेटा ऐसे कौन से दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा टिंडाल इफेक्ट को देखने के लिए, सबसे पहला सुधीर सर की केमिस्ट्री क्लास देखते जाओ और दूसरी बात सुधीर सर की केमिस्ट्री क्लास देखते जाओ, यही है दो कंडीशन बेटा, ये दो कंडीशन फॉलो करो आपको टिंडाल इफेक्ट दिखेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने बोल दिया। तो पहला कंडीशन देखिए बेटा क्या है, आपके पास में जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं ना, जैसे कि मैं बोला ना साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल शुड कम अंडर द रेंज ऑफ कोलाइडल द सॉल्यूशन लुक लाइक ए कोलाइडल, इसकी बात कर रहा हूँ, डायमीटर जो होते हैं ना डिस्पर्स पार्टिकल के, तो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, ये कंडीशन है बेटा, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल आर नॉट मच लेसर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज,
बट ये कंडीशन है कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच लेस, बोलना है स्मॉलर बोलो, ये अच्छा रहेगा, नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं ना उसकी लाइट से, उस ज्यादा छोटी नहीं होना चाहिए, राइट? सो ज्यादा छोटी नहीं होना चाहिए, तो क्या बराबर होना चाहिए? बराबर भी नहीं होना चाहिए बेटा, और ज्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए, शुड बी मोर देन दैट होना चाहिए। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं ना आपको डिस्पर्स्ड फेस के, हाँ बेटा ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, आप एनसीईआरटी भी पढ़ते जाओ, उसमें दिया गया है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड, हाँ बेटा, दे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ दीस एंड दीस डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। बेटा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो आपका कोलाइडल सोल टिंडाल इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब क्या सर, सारे कोलाइडल सोल टिंडाल इफेक्ट दिखाते? नहीं बेटा, उस कोलाइडल सोल में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो आपको टिंडाल इफेक्ट दिखाएगा। इज इट क्लियर? देख लो बेटा, एक बार समझ लो इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एचडीएफसी का था, डाल देना बैलेंस, राइट बेटा? नाउ नेक्स्ट वन इज चलो आगे, एट वाला देखिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर एट, कॉल्ड एज ए काइनेटिक प्रॉपर्टीज, कॉल्ड एज ए काइनेटिक प्रॉपर्टीज। अब काइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, अगर किसी कोलाइडल सोल को आप एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा के थोड़ा उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसमें क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं, दे आर मूविंग विद ए कंटिन्यूसली इन ऑल डायरेक्शन, और वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑफ लाइट के भी जैसे दिखते हैं। अगर आप एक एक पार्टिकल को ठीक से देखो बेटा, वो zigzag मोशन दिखाता है। वो zigzag मोशन जो दिखाता है ना, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय अपना बॉटनिस्ट था, उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट है, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो उनका नाम जानते हो। तो वो ब्राउन अंकल ने देखा, रॉबर्ट ब्राउन अंकल का नाम है, तो रॉबर्ट ब्राउन अंकल ने वो सबसे पहले देखा उस तरह का क्या अपना zigzag मोशन, और इसीलिए उन्होंने उसका नाम भी दे दिया कि ब्राउनियन मूवमेंट करके। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है बेटा, एक तरह का अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं। तो दैट मॉलिक्यूल्स और दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली इन ऑल डायरेक्शंस एंड दैट मोमेंट इज हैविंग ए zigzag मोशन। दैट zigzag मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अंकल, नेम इज रॉबर्ट ब्राउन, कॉल्ड एज ए ब्राउनियन मोमेंट। तो सीधा सीधा बात है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज में बेटा, व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन और सोल इज ऑब्जर्व्ड विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप is observed with ultra microscope, it was seen that collidal particle has zigzag moment, which is first observed by uncle, मैंने अंकल नहीं लिखा, बॉटनिस्ट लिखा, first observed by uncle Robert Brown
and name it. And name it Brownian moment. तो बेटा जहां पर आपको Brownian moment दिख गया तो आप बोलना सर ये आपका collateral soul है. सर जहां पर आपको Tyndall effect दिख गया बोलना सर वो भी आपका collateral soul है. तो collateral soul की important property तो यही है भाई कि जहां भी इस तरह के ये ऐसे 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 कहीं भी मर्जी आपकी आपको जहां घुमाना है घुमा दीजिए. ये ऐसे ब्राउनियन मोमेंट होती है सॉल्यूशन के अंदर में जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह के बेटा जिगजैग मोशन जो सबसे पहले अपने ये रॉबर्ट ब्राउन ने देखा है. एक्चुअली इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय उन्होंने सम जो सेल होता है ना सेल को टीएस लेते हैं टीएस लेने के बाद माइक्रोस्कोप में देखते तो वो मोमेंट दिखता है वैसा उन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन में भी देखा था और उन्होंने अपना नाम लगा दिया राइट कि दिस विल बी कॉल्ड एज ए ब्राउनियन मोमेंट. तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे कोलाइडल की यही है जहां पर आपको ब्राउनियन मोमेंट दिखेगा कोलाइडल है जहां टिंडाल इफेक्ट दिखेगा कोलाइडल है. ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पहचानने की कि कोलाइडल सोल है या नहीं है राइट बेटा. चलो यहां तक लिख लीजिए. बेटा पॉइंट नंबर 9 पे जाएंगे. सर क्या कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं कि चार्ज होते हैं? तो बेटा मैं बोलूंगा कोलाइडल पार्टिकल सबके चार्ज होते हैं. बेटा चार्ज पार्टिकल होंगे तभी तो ब्राउनियन मोमेंट आएगा तभी तो मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आएंगे. बेटा अगर न्यूट्रल हो गए तो सारे के सारे पार्टिकल नीचे आके सेटल हो जाएंगे. अगर चार्ज हो गए तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के करीब जाएगा तो रिपेल करेगा फिर रिपेल करेगा कंटिन्यू मोमेंट में होती है. तो जहां भी कंटिन्यू मोमेंट होगा वो कोलाइडल सोल आपका स्टेबल समझा जाएगा. मोमेंट है इसीलिए स्टेबल है मोमेंट नहीं है तो अनस्टेबल है राइट. ये बताना है बेटा पॉइंट नंबर 9 पे देखिए चार्ज ऑन कोलाइडल सोल. चार्ज ऑन कोलाइडल सोल नाइन्थ. सर चार्ज ऑन कोलाइडल सोल राइट. पार्टिकल बोलना ठीक रहेगा ना पार्टिकल से ही तो सोल बनेगा ठीक है बेटा. चार्ज ऑन कोलाइडल सोल या चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल बोलना सही रहेगा क्योंकि पार्टिकल से आपको सोल मिलेगा. अब हम बोलेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल वो हमेशा दे कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज. तो कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. हाँ बेटा ये चार्ज होते हैं या तो प्लस या तो माइनस. बेटा पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल में आते हैं नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव चार्ज में आएंगे राइट. तो अब देखिए बेटा जो सिमिलर चार्जेस है रिपेल करेगा राइट. तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलरली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट देम फ्रॉम एग्रीगेशन एंड सेटलिंग डाउन. तो अब बताइए आप ही सोचो अगर मेरे पास ये कोलाइडल सोल दिया गया है और ये कोलाइडल सोल में ये वाले मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल रखे हुए. बेटा अगर कोलाइडल सोल होगा तो कोई भी एक ही चार्ज का होगा ना या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली. तो बेटा क्या पॉजिटिवली चार्ज आके नीचे सेटल करेगा? नहीं बेटा. इन दोनों क्या होगा ड्यू टू लाइक दे रिपेल करेगा ड्यू टू लाइक चार्जेस रिपेल करेगा. तो ड्यू टू लाइक चार्जेस इनमें इतना रिपल्शन होता है कि दे नेवर सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर. बाय सेटलिंग डाउन नहीं हुआ मतलब आपका सोल कोलाइडल है मतलब आपका सोल स्टेबल है ये माना गया है. अगर पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं तो धीरे 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 नीचे क्या प्रेसिपिट हो जाते कोआगुलेट हो जाते सेटल हो जाते
तो वो सोल नहीं होता, दैट इज कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए कोलाइडर सोल, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सस्पेंशन। जहां भी पार्टिकल्स की सेटलिंग डाउन हो जाती है ना, तो वो होता है सस्पेंशन। लेकिन जहां पार्टिकल की साइज ऑलवेज एक पर्टिकुलर साइज में, दे आर ऑलवेज हैविंग ए ब्राउनियन मूवमेंट, एक दूसरे से वो रिपेल कर रहे हैं, एंड दे आर ऑलवेज इन द मोशन, ब्राउनियन मोशन में आ जाते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेबल कोलाइडल सोल। तो आप क्या बोलोगे बेटा, यहां पर हम ये लिखेंगे, दे आर ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू लाइक चार्जेस, दे रिपेल विथ ईच अदर, दे रिपेल विथ ईच अदर एंड नेवर सेटल एट द बॉटम ऑफ बीकर। किसी भी बीकर के बॉटम में वो सेटल नहीं होते, अगर सेटल हो जाते थे दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एन सस्पेंशन। दूसरी बात बेटा, ड्यू टू लाइक चार्जेस दे रिपेल विथ ईच अदर एंड दे रिपेल विथ ईच अदर एंड नेवर एग्रीगेट्स, है ना बेटा, वो एग्रीगेट भी नहीं हो गए। मतलब एग्रीगेट होगा तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा, और ड्यू टू ग्रेविटी सीधा नीचे आके सेटल हो जाएगा। तो एग्रीगेशन भी नहीं हो रहा, सेटलिंग भी नहीं हो रहा। व्हाट वी कैन से, दिस गिव्स, यस सर, दिस गिव्स स्टेबिलिटी टू द सॉल्यूशन, दिस गिव्स स्टेबिलिटी टू द सॉल्यूशन। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कोलाइडल सोल ज्यादा स्टेबल है, सर ऐसा कोलाइडल सोल स्टेबल होता है जिसमें साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल एक कोलाइडल रेंज में हो और पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते रहे। रिपेल करेगा तो ब्राउनियन अंकल की मूवमेंट आएगी, और ब्राउनियन अंकल की मूवमेंट जितनी ज्यादा आएगी वो सोल को उतना ज्यादा स्टेबल समझा जाएगा। लेकिन अगर रिपल्शन नहीं है, अपोजिटली चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, एक बड़ी सी आपके कोलाइडल रेंज से सस्पेंशन के रेंज के पार्टिकल में चले गए, वो पार्टिकल नीचे सेटल हो गया, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए कोलाइडल सोल, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सस्पेंशन। और जहां मोमेंट भी नहीं है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ अनस्टेबल कोलाइडल सोल, राइट। चलो बेटा इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, दैट इज ए आयरन हाइड्रोक्साइड जो होती है ना, FeOH taken thrice, उसके हिसाब से मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। देखिए बेटा मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक ये कोलाइडल सोल है, एक पार्टिकल है, डिस्पर्स पार्टिकल बोलो आप, डिस्पर्स पार्टिकल बोल सकते हो, FeOH taken thrice वाला, ऐसा लिखूं मैं, FeOH taken thrice, ये कोलाइडल सोल है भाई। अब ये कोलाइडल सोल, ये जो प्रेसिपिटेट होता है ना, आपको याद आ रहा मैंने आपको पढ़ाया था पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेट को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डाल के ऐसा शेक कर लो तो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव या नेगेटिव आयन उस पार्टिकल प्रेसिपिटेट के पार्टिकल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, यही केस है बेटा। फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका वाइट पीपीटी है, आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ में डाल के उसको शेक करा लिए, तो ऐसा देखा गया है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए हैं। बेटा जैसे ही आपके ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके सरफेस पे अगर एड्सॉर्ब कर जाएंगे तो बोलो बेटा, दिस मस्ट बी कॉल्ड एज ए पॉजिटिवली चार्ज सोल या नेगेटिवली चार्ज सोल, यस सर, दिस विल बी कॉल्ड एज एन पॉजिटिवली चार्ज सोल। लेकिन साथ में ही इसके पास एक मीडियम होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट में प्लस और माइनस तो होगा ना बेटा, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज सोल वॉज एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट। आपका प्रेसिपिटेट क्या था बेटा, FeOH taken thrice था, राइट। और उसमें आपने क्या डाला, सर आपने उसमें डाला है FeCl3 डाला है। जैसे ही FeCl3 डालोगे तो ये Fe, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रही है ना, इट इज अ चार्ज ऑफ Fe+3 आयन, एंड दिस Fe+3 आयन विल बी एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट। भाई प्रेसिपिटेट किसका था, सर FeOH taken thrice का प्रेसिपिटेट था। पहले कैसा था, न्यूट्रल लाइन, जब आप पेप्टाइजेशन कराओगे तो ये क्या बन गया, चार्ज +3 एब्जॉर्ब कर गया। तो बेटा Cl माइनस तो बाहर घूम ही रहा ना, Cl माइनस क्या है, घूम ही रहा है, तो ये Cl माइनस उसके बगल बगल में ऐसे घूमते रहेंगे। मतलब आपका ये Cl माइनस कहाँ है, सर दिस Cl माइनस इट इज इन द डिस्पर्शन मीडियम, लिख दूं भाई मैं, ये क्या है आपका
क्लोराइड आयन इज इन डिस्पर्शन मीडियम, राइट। तो आपने देखो बेटा एक एक चार्ज्ड कोलाइडर सोल बना लिया, भाई इसको निकालो और ऐसे सारे चार्ज कोलाइडर सोल को एक डब्बे में डाल दो, तो बेटा सारे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल करते रहेंगे, सेटल नहीं हो गए। आपको लग रहा है सर आपने इतना बड़ा बना है तो इतना भारी होगा तो ड्यू टू ग्रेविटी सेटल करेगा, ना भाई ये मैंने बनाने के लिए ऐसे बनाया, लेकिन बहुत छोटा होता है और इसकी रेंज आपको कोलाइडल की रेंज में ही मिलने वाली। इज इट क्लियर? हम बोलेंगे दैट मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, देयर विल बी चार्ज ऑन द कोलाइडल सोल, राइट। चलो बेटा मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करेगा, ठीक है आप दिख रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब ये जो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स है, तो सर क्या कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं? हाँ भाई, पॉजिटिवली चार्ज भी है, नेगेटिवली चार्ज भी है, आईआईटी मेंस में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है और हमारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। कैसे भाई? इसमें से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज सोल है भाई, इसमें से कौन सा नेगेटिवली चार्ज सोल है? तो मैं आपको दो पार्ट बना के दूंगा बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज सोल वाला और एक नेगेटिव चार्ज सोल वाला, उसके हिसाब से आप आंसर बनाइए। पहला वाला बेटा पॉजिटिवली चार्ज सोल, देखिए पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल और सर नेगेटिवली चार्ज सोल, दो है। पॉजिटिवली चार्ज सोल में आप देख सकते हो बेटा मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, बेटा ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड को आप पॉजिटिवली चार्ज सोल के हेडिंग में डाल सकते हो। जैसे कि आपको मालूम होगा अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी भी हमने देखा आयरन की हाइड्रोक्साइड, और एक आती है क्रोमियम की हाइड्रोक्साइड, बेटा क्रोमियम की हाइड्रोक्साइड, अल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड और बेटा आपके आयरन की हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे सर मेटालिक हाइड्रोक्साइड है और इनको हम किस में कंसिडर करेंगे बेटा? पॉजिटिवली चार्ज सोल। लेकिन उसके भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी आपको पॉजिटिवली चार्ज में मिलने वाले हैं, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड भी आपको पॉजिटिवली चार्ज सोल में आएंगे, जैसे कि Al2O3.XH2O, मर्जी दो लगा लो, चार लगा लो, तीन लगा लो X की वैल्यू, अब जानते हो ना बॉक्साइड गिब्साइड वो वाले फॉर्म में, राइट। लेकिन गिब्साइड में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड की भी वाटर मॉलिक्यूल होती है, हाँ बेटा CrO3.XH2O। तो जितने भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं ये भी आपके एक तरह के पॉजिटिवली चार्ज सोल में ही आते हैं। लेकिन बेटा मेटालिक सल्फाइड जो होते हैं, आर्सेनिक का ले लो, एंटीमोनी का ले लो, कैडमियम का ले लो, वो आपके नेगेटिव में आते हैं। तो भाई याद रहेगा क्या सर? मेटालिक सल्फाइड्स आर द नेगेटिवली चार्ज सोल, मेटालिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स आर द पॉजिटिवली चार्ज सोल। लेकिन मेटालिक सल्फाइड कौन से हैं बेटा? As2S3, Sb2S3, CdS कैडमियम सल्फाइड, ये सारे मेटालिक सल्फाइड्स हैं एंड दे कम अंडर द पार्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल, राइट बेटा। सेकंड वन, कुछ डाइस के सॉल्यूशंस है भाई, जैसे कि बेसिक डाई स्टफ करके हमारा एनसीईआरटी यूज करता है, बेसिक डाई स्टफ ये एनसीईआरटी बोलता है भाई। बेसिक डाई स्टफ क्या है? तो ऐसे बहुत से है जो एनसीईआरटी में देता है ना, मैं वही नाम बताऊंगा, मिथिलीन ब्लू सोल, ये आपका हो गया बेसिक डाई स्टफ, राइट। उस तरफ में नेगेटिव बेटा एसिडिक डाई स्टफ, एसिडिक डाई स्टफ, सर एसिडिक डाई स्टफ का एग्जांपल एनसीईआरटी यूज किया बेटा कॉन्गो रेड सोल करके, कॉन्गो रेड सोल दैट विल कम अंडर द एसिडिक डाई स्टफ, राइट। और एक आएगा बेटा थर्ड वन, प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम,
प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब एच प्लस आ गया, सारे एच प्लस प्रोटीन पे एड्सॉर्ब कर गए तो पॉजिटिवली चार्ज होल बन गया। बेटा मेटल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होल में आते हैं, मेटल्स। अब कौन से मेटल्स, उसमें भी लिया गया है बेटा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, दे कम अंडर द अवर नेगेटिवली चार्ज होल, राइट बेटा। और एक आएगा, सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लड। हाँ भाई, आपका जो ब्लड है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होल है। ब्लड इन नेचुरल कोलाइडल सोल कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। ब्लड इन नेचुरल कोलाइडल सोल कंटेनिंग क्या बेटा, हीमोग्लोबिन। कंटेनिंग हीमोग्लोबिन HB, इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट भाई, पॉजिटिवली चार्ज होल, राइट। अगर आप प्रोटीन इन बेसिक मीडियम करा लो भाई, जैसे कि एसिडिक मीडियम था, यहाँ प्रोटीन इन बेसिक मीडियम डाल दो, फोर्थ वाला ना, सॉरी, प्रोटीन इन बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस साइन उसको एड्सॉर्ब कर गया, तो वो क्या हो गया बेटा आपके, दैट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज सोल। एग्जाम्पल मैं बोलू इसके अच्छे से, एग्जाम्पल दैट इज ए सोल ऑफ ए स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल। सोल ऑफ स्टार्च, क्ले, जिलेटिन, चारकोल, राइट। ये सारे एग्जाम्पल, इवन आपका गम भी आता है बेटा, सोल ऑफ स्टार्च, क्ले, जिलेटिन, चारकोल एंड गम इज एग्जाम्पल ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज सोल। एग्जाम में पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग विच इज ए पॉजिटिवली चार्ज सोल एंड अमंग द फॉलोइंग विच इज ए नेगेटिवली चार्ज सोल, ये पूछा गया है बेटा एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, राइट। अब आएगा बेटा अपने को जो देखना है, दैट इज अनदर वन मोर प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रॉपर्टी आती है, राइट। तो मैं चाहूंगा बेटा ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रॉपर्टी ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क मी बेटा, अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर आई एम हैविंग